जय हिंद। एनसीसी ऑल इंडिया फ्रेंड्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक वैकेंसी डिस्कस करने चाह रहा हूँ जो हाल ही में आई हुई है। ये कोस्ट गार्ड की अभी वैकेंसी आई हुई है 2020 रिक्रूटमेंट। तो मैं आपके उसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ क्या होता है, कितनी वैकेंसी है, कितनी मेल के लिए वैकेंसी है, कितनी फ़ीमेल के लिए वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, कितनी हाइट मांगी गई, कितनी रनिंग मांगा है इसमें, ये सब बातें हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो आइए मैं आप देखते हैं इसका नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कोस्ट गार्ड नाविक जीडी ऑनलाइन 2020, इसकी डेट आ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें स्टार्टिंग डेट कब है भरने की। इसकी अप्लाइंग बीइंग फॉर्म कितनी है, 26 जनवरी 2020 से स्टार्टिंग डेट है और इसकी लास्ट डेट कब है, 2 फरवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट कब है इसकी, मार्च 2020 में इसकी एग्ज़ाम डेट होगी। और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब हो जाएंगे इसके, 15 से 20 फरवरी इसके तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कराती है। तो देखो कितना फरवरी में इसकी लास्ट डेट है 2 फरवरी की, और एग्ज़ाम भी कितना मार्च में एग्ज़ाम करा देगी, ठीक है। और इसमें ऑल कैटेगरी मतलब OBC SC जनरल सबके लिए फ़ीस 0 मांगी गई है। और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है उसके बारे में हम आइए बात करते हैं। 10+2 हम इसमें मांगा है, मतलब 12th पास मांगा गया है। और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट में। दो सब्जेक्ट इसके लिए गए हैं, फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट, जिसमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में, ठीक है। और इसमें हाइट कितनी मांगी गई है, 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट मानी में भी मिनिमम, और बाकी ऊपर आप जितने भी हो चल जाएगी। और रनिंग कितनी मांगी है, 1.6 किलोमीटर कंप्लीटेड इन कितने 7 मिनट में। ये तो मतलब नॉर्मल रनिंग है, फिर भी आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए फिजिकल की। और ये 10 टाइम्स ये है, ओपोस है, ये सब 10 टाइम्स है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है आइए देखते हैं। तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 22 ईयर, मतलब जो इन दोनों के बीच में आता है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इनने एक एज भी दिया, एज बिटवीन भी दिया गया है, मतलब इसके अंदर अगर आप आते हो तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, 18 ईयर्स से 22 ईयर्स तक, मतलब 1189982 2002 दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें पोस्ट कैन कौन सी है, नाविक्स जीडी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, टोटल कितनी पोस्ट निकली गई है। तो जनरल के लिए इसमें 113 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 75 सीट है, एससी के लिए 33 सीट है, एसटी के लिए 13 सीट है। और EWS मतलब ये अभी नया चला है, जो 10% जनरल में रहते हैं उनके लिए जो 10% कोटा दिया गया है, जो गरीब हैं जनरल में आते हैं लेकिन उन्हें EWS में रखा गया है, 26 पोस्ट है उनके लिए। तो टोटल 260 पोस्ट निकली हुई है। इसमें एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या होंगे, UP में वाराणसी होगा, नोएडा होगा, कोलकाता होगा, भोपाल, जोधपुर, बाकी ये सेंटर है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इसको जल्द से जल्दी भर दें। मैं आपको इसको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, फिर भी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें भी सेम लिखा गया है। आइए फ्रेंड, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आए 2020 की वैकेंसी है, 10+2 एंट्री मांगी गई है इसमें। बस इसमें भी सब वही लिखा है, ईयर्स 22 18 से ईयर्स 22 ईयर तक होने चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिए, ठीक है, इसमें बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो जो इस चीज़ को भरना चाहते हैं वो जल्दी से फॉर्म भर दें, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जो नई नई जॉब्स हैं आर्मी से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पहुँच करने के लिए एंड शेयर करें।